हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, कनाडा से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है, मैं इसलिए सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। देखिए अभी क्या है, जो वहाँ पे IRCC है वो लोग लेटेस्ट इनवाइट भेज रहे हैं अभी यहाँ आने के लिए, कनाडा में जाने के लिए वो लोग भेज रहे हैं। तो आप लोग देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, मिनिस्ट्रियल इंस्ट्रक्शंस रेस्पेक्टिंग इन्विटेशंस टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेसिडेंट अंडर द एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 12 अप्रैल 2023, नंबर 246 है एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम का। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कितने इनविटेशन भेजेंगे, 3500 इनविटेशन इशू किए जाएंगे। ठीक है, रैंक रिक्वायर्ड टू बी इनवाइट जो है इसमें, देखिए रैंक रिक्वायर्ड टू बी इन्वाइट 3500, डेट एंड टाइम 12 अप्रैल 2023। CRS स्कोर, अगर आपको पता नहीं है CRS स्कोर क्या होता है, मेरा वीडियो देख लीजिए, वीडियो में जाके सर्च करिएगा, CRS में मिल जाएगा। CRS स्कोर ऑफ लोवेस्ट रैंक कैंडिडेट, मतलब जो सबसे लोवेस्ट जिनका सिलेक्शन होगा उनका CRS स्कोर होगा 486 होगा। टाई ब्रेकिंग रूल July 19। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, इफ़ मोर देन वन कैंडिडेट हैज़ द लोवेस्ट स्कोर द कट ऑफ इज बेस्ड ऑन द डेट एंड टाइम दे सबमिटेड देयर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये बता रहे हैं यहाँ पे कि CRS स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है एक्सप्रेस एंट्री एज ऑफ अप्रैल 12। ये देखिए, अगर इसमें 601 में से 1200 लोग थे, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो हैं आप देखिए 400 से 450 के बीच में, आप देख सकते हैं। नहीं नहीं इसके नीचे भी हैं, आप देखिए 300 से 400। तो देखिए आपका CRS स्कोर में भी ये विभाजन उन्होंने करके दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, IRCC नया इनवाइट भेज रहा है कनाडा के लिए, ध्यान दीजिए, फिर से बोल रहा हूँ, IRCC जो है कनाडा का वो नया इनवाइट भेज रहा है एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के अंतर्गत। तो अगर आपको इंटरेस्ट है मुझे कॉन्टैक्ट करिए डॉक्यूमेंट्स के साथ, हम ऑफिशियल तरीके से सारे पक्के डॉक्यूमेंट ला के कोशिश कर सकते हैं आपको भेजने के लिए। फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर कोई भी आदमी जो वीज़ा का काम करता है आपको बोलता है कि वो आपका वीज़ा लगवा देगा, वो झूठ बोल रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वीज़ा हमेशा एम्बेसी के ऊपर होता है जिस भी कंट्री की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कैनेडा जा रहे हैं तो कैनेडा की एम्बेसी डिसाइड करेगी आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर कि आपको वीज़ा मिलना चाहिए कि नहीं। कोई आदमी इंडिया का वीज़ा नहीं लगवा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, ये पक्का याद रखिएगा आप। तो कोई अगर आपको ऐसा बोल रहा है तो आपको वो बेवकूफ़ बना रहा है आपसे पैसे ऐंठने के लिए और जो भी है, बट वो सही नहीं बोल रहा। ओके फ्रेंड्स, तो जानकार बनिए और सही तरीके से जहाँ भी जाना है वहाँ जाइए। टेक केयर फ्रेंड्स।